हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग पराठा। एग पराठा बनाते हुए लोग डरते हैं कि हमारा शेप कैसा रहेगा, गोल रहेगा या नहीं रहेगा। शेप पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए आप, टेढ़ा भी रह सकता है, कैसे ही रह सकता है तो, लेकिन वो अच्छे से सिका होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए और देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, जो दोनों तरफ से अच्छे से सिका जाए। आलू पराठा भी लोग बनाते समय डरते हैं शेप गोल होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, शेप कैसा ही हो सकता है आलू पराठे का भी, क्योंकि शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को, पर टेस्ट अच्छा होना चाहिए, कैसा भी टेस्ट हो सकता है। तो शुरू करते हैं हम एग पराठा बनाना। अंडा पराठा बनाने के लिए मुझे आटा गूंदना है, तो मैं लूँगी 4 कप आटा, नमक, तेल, पानी। आटे में नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा तेल डाल दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब ये मिक्स हो गया सब, मैं इसको पानी से गूंदूंगी। आटा ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। तो आटे को हमें अच्छे से गूंदना है, जितना अच्छा आटा गूंदेंगे हम उतने अच्छे हमारे पराठे बनेंगे। आटा मेरा गूंद चुका है, अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगाऊंगी। तेल लगा के 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। A few moments later. अंडा पराठा बनाने के लिए क्या क्या सामान लगेगा आइए देखते हैं। 4 अंडे जो कच्चे हैं, अब मैंने 4 लिए हैं, आप चाहे जितने भी ले सकते हैं। जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च, प्याज जो मैंने एक बारीक काट लिए, बटर, हरी मिर्च 2 कटी हुई, हरा धनिया। तो आइए शुरू करते हैं अंडा पराठा बनाना। अंडा पराठा बनाने के लिए मैं अंडे का मिक्सर तैयार करूँगी। मैं एक पराठे के लिए 1 अंडे का मिक्सर तैयार कर रही हूँ, आप एक पराठे के लिए 2 भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी डालूँगी मैं, जीरा पाउडर ये ऑप्शनल है आप डाल भी सकते हैं, नमक, नमक बहुत कम डालते हैं इसमें क्योंकि मैंने आटे में भी नमक डाला है, धनिया पत्ती, प्याज, दो चम्मच में दूध भी डालूंगी जिससे ऑमलेट अच्छे से फूलेगा हमारा। दूध डालने से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सबको। अभी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसका ऑमलेट बनाएंगे। गैस चालू करते हैं हम। गैस चालू कर दी मैंने, अब मैं पराठा बनाऊंगी। अंडा पराठा के लिए ये मैंने बेल लिया है, अब मैं इसको तवे पर डालूंगी। जब तक ये सूख रहा है मैं दूसरे पराठे की तैयारी करूंगी। दूसरा पराठा बेलूंगी, कोशिश करेंगे जितना आमलेट का साइज हो उतना ही पराठे का साइज होना चाहिए। देखेंगे अभी कच्चा है अभी बिल्कुल, ये अच्छे से सीखने देंगे इसे। देखते हैं पहली साइड हमारी कैसी हुई, सीख गया है, लेकिन इसे मैं भी दूसरी साइड का अच्छे से सीखूंगी। फूल भी रहा है ये मैंने देसी घी यूज़ किया है, आप चाहे कोई सा भी तेल ले सकते हैं। कोशिश यही करेंगे घी या तेल जो भी आप लगा रहे हो, जब भी लगाना जब पराठा आपका अच्छे से सीख जाए, नहीं तो कच्चा रहेगा। ये आप सीख गया हमारा, अब मैं इसे उतार लूँगी और दूसरा पराठा डालूँगी। अब मैं दूसरा पराठा डालूँगी, उल्टी करके देखते हैं पराठे को। अब इसमें हम घी लगाएंगे, पलट देंगे पराठा। सीख गया मेरा दूसरा पराठा भी, तो मैं इसे भी उतार लूँगी। ऑमलेट के लिए मैं थोड़ा बटर डालूँगी, आप चाहे घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बटर का यूज़ करूँगी यहाँ पर। ये नॉन स्टिक है इसके लिए ज़्यादा बटर घी नहीं लगेगा इसमें, थोड़ा चला के डाल देंगे तवे पे। अब मैं जब तक
मेरा अंडा सिक रहा है, मैं दूसरे की तैयारी करूँगी। प्याज, मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, नमक 2 चम्मच, दूध, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चेक करते हैं नीचे सिका के नहीं, बिल्कुल सिक गया अच्छे से। ये देख लो, ये देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। अब मैं इसके ऊपर पराठा रखूँगी। देख लेंगे दूसरी तरफ से भी अच्छे से। तो जो एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है इसे थोड़ा अंदर की तरफ कर देती हूँ मैं, जो देखने में भी अच्छा लगेगा। दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया ये, ये देखिए। तो बनकर तैयार है हमारा अंडा पराठा। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करूँगी। तैयार है अंडा पराठा, अब मैं इसे फोल्ड करूँगी। तो हमारा बनके तैयार है एग पराठा। चाहे इसे टमाटो सॉस के साथ खाइए, चिली सॉस के साथ खाइए, या ग्रीन सॉस के साथ खाइए। और प्लीज़ खाते रहिए, सेहत का ध्यान रखिए। तो प्लीज़ आपसे से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।